तो मतलब बाउंड्री ले रहे हैं, तो अब इस बाड़ी में आना जाना होगा नहीं। तो इधर कहीं अच्छा सा जगह देख के वही पास बनाएंगे रील्स कृष्ण जन्माष्टमी का। तो आज फास्ट रहेंगे, फिर रात को जन्मेंगे ना। सो फ्रेंड्स, अभी है सुबह का टाइम, उधर से उठ के आ गए हैं और बस इधर लग गए हैं सुबह वाला झाड़ू लगाने में, और गाय को हटा रहे हैं, वो हट ही नहीं रहा है। ऊपर पूरा कचड़ा कचड़ा हो गया ना ऊपर झाड़ू लगाने के लिए, तो फाइनली थोड़ा सा उसको हटा के ऊपर झाड़ू लगा ली हूँ। और ये देखिए पूरा कचरा सा गिर गया है, कई बोले उधर निकल गए हैं हमारे बतख मन। ये देखिए पूरा एकदम सा शोर मचा के रखते हैं कई बोले सुबह सुबह। तो बस अभी फटाफट से झाड़ू लगाते हैं, और सारा काम भी करना है और फिर काम में जाना है ना इसीलिए। और उधर निकाल रहे हैं गाय बैल मन को बाहर, और उधर मतलब वो पास है कचरा फेंकने के लिए, तो वही पास अभी ले जा रहे हैं फेंकने के लिए। तो बस उसके बाद इधर से अभी हम दे रहे हैं चारा आंगन में गोबर के साथ में, तो ये देखिए। और बस सभी तरफ इस तरीके से अच्छे से मतलब आंगन में जो है चारा दे देते हैं, तो ये देखिए। और उधर से गाय मन को भी उधर साइड में रख लिए हैं, बिकॉज़ पूरा उपवास पूरा कीचड़ कीचड़ बना देते हैं ना, तो उसको गाय को हटा रही हूँ, हट ही नहीं रहा था, तो थोड़ा सा उसके पेट में लग गया क्या ही बोले। तो बस अभी हम इधर आए हैं कुआं में पानी भरने के लिए, और कुछ दिनों से मैं ना कुआं से ही ले जा रही हूँ पानी काम वाम करने के लिए, बिकॉज नल में जाती थी ना तो इसीलिए। तो मस्त है, कुआं में पानी भर गया है तो घर में ही पानी है, तो फिर बाहर क्यों जाए। तो ये देखिए अभी फटाफट से निकाल लेते हैं पानी और फिर ले जाएंगे घर। तो बस फ्रेंड्स, इधर से अभी हम लगा रहे हैं पोछा, पानी वानी भर लिए हैं, और अभी बाहर बाहर में लगा रही हूँ, अंदर में नहीं लगा रही हूँ। तो बस बाहर बाहर में इस तरीके से पोछा लगा देते हैं, बिकॉज़ इधर मतलब चारा दिए हैं ना आंगन में, तो इस वजह से पूरा जो चिड़का हो ही रहता है ना। तो बस फ्रेंड्स, अभी हम तैयार वैयार हो गए हैं, नादों के खाना वाना खा लिए हैं, और बीच में मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी बिकॉज़ थोड़ा सा लेट हो गया था, जल्दी जल्दी में खाना वाना बना के अभी खाना वाना खा लिए हैं, और बस अभी काम में जाने की तैयारी हो रही है। और हेरा हमारा कुआँ, आजकल मैं यहीं से पानी ले जा रही हूँ, तो ये देखिए मस्त भर गया है, बट इसमें थोड़े से पत्ते वत्ते गिर गए हैं, बिकॉज पेड़ वेड़ है ना, तो इस वजह से गिर जाते हैं क्या ही बोले। तो और इधर देखिए फ्रेंड्स, ये वाले बाड़ी में जो है यहाँ पे पूरा घेरा लगा रहे हैं, तो मतलब बाउंड्री ले रहे हैं, तो अब इस बाड़ी में आना जाना होगा नहीं। तो हमारे घर के पास में यहाँ पे मेरा आना जाना रहता था ना, तो ये देखिए यहीं पे हमारा काम चल रहा है कुछ दिनों से। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब थोड़ा सा जुड़ाई कर लिया है, और ये वाला हिट्टा है, तो ये देखिए। और बस अभी निकलते हैं काम के लिए, और ये देखिए पूरा इधर तोड़ वोड़ दे दिए हैं क्या ही बोले। सो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हमारा हो गया है लंच, सुबह काम में गए थे और काम में वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज हम कर रहे थे काम। तो बस अभी हमारा हो गया है लंच, अभी बैठ गए हैं खाने के लिए, बर्तन वर्तन आके ही मतलब फटाफट से धो ली हूँ। तो चलिए अभी खाते हैं खाना वाना और फिर मिलते हैं आप लोगों से। फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम खाना वाना खा के आ गए हैं फिर से काम में, वैसे ज़्यादा दूर तो जाना नहीं पड़ेगा बिकॉज घर के पास में ही बन रहा है, तो ये देखिए यही पास में बन रहा है, तो बस यही पास आ गए हैं। और बाकी सभी लोग आ गए हैं, बट उन लोग भी अलग अलग जगह है, कोई है पेड़ के छाँव में, कोई हो पेड़ के छाँव में, क्या ही बोले। तो बस अभी शर्ट वर्ट पहनते हैं और फिर लग जाते हैं काम में, और मिलते हैं आप लोगों से। सो बस काम कर ही रहे थे कि इधर होने लगी है बारिश, सो ये देखिए तो सभी लोग छुप गए हैं, यहाँ पे एक रूम है ना बड़ा वाला हॉल है, तो यहाँ पे छुप गए हैं सभी लोग। उधर हमारा मशीन वशीन खड़ा हो गया है, तो बस बारिश हो रहा है, तो ये पास हम लोग रास्ते के पास में ही बैठ गए, अपना डेरा जमा लिए हैं क्या ही बोले। और इधर जमा जम हो रही है बारिश, तो फिर बारिश छूटेगा तो ही काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे क्या ही बोले। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, और आगे का क्या सीन होने वाला है वो दिखाएंगे आप लोगों को। फाइनली फ्रेंड्स, अभी हमारा काम जो है छुट्टी हो चुका है, और अभी हो रही थी बारिश, तो ये देखिए इधर आप लोग देख सकते हैं, देखिए पूरा पानी वानी भर चुका है इधर। तो बस अभी हमारा काम जो है छुट्टी हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं घर इधर से चिंगड़ चांगड़ के क्या ही बोले। तो पास में ही है ना, तो उधर से रोड में मतलब रोड जाते ना, थोड़ा सा उधर लंबा पड़ता रोड, तो इसीलिए अरे कुछ ज़्यादा ही बारिश हुआ वैसे, तो बस छुपे हुए थे, अभी पाउडर वगैरह धो के अभी हम आ रहे हैं घर, वैसे पहुँच ही गई क्या ही बोले। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में कंटिन्यू बनी रही है, मिलते हैं थोड़ी देर में ही।
सो फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट डे और अभी हम जा रहे हैं रील्स बनाने के लिए। इधर एक अच्छे से लोकेशन मतलब ढूंढते हुए तो पास में ही है, गांव के पास में ही जा रहे हैं, जंगल के पास में तो पास में ही है ना, ये देखिए। तो इधर कहीं अच्छा सा जगह देख के वही पास बनाएंगे रील्स। तो आज हमारा काम छुट्टी हो गया इसीलिए। तो और इधर से ले जा रहे हैं दादाजी लकड़ी सूखी वाली, ये देखिए इस तरीके से मतलब वो के ले जा रहे हैं, क्या ही बोले। तो काम हमारा छुट्टी हो गया है तो बस इधर निकल पड़े हैं रील्स बनाने के लिए, और थोड़ा सा घूम घूम के भी आएंगे। और आज हमारा फास्ट है, और मतलब क्या फास्ट है वो भी बता देते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी का। तो आज फास्ट रहेंगे, फिर रात को जन्मेंगे ना। तो क्या क्या मतलब सारा कुछ होता है वो आप लोगों को आगे के ब्लॉग में बताएंगे। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, फिलहाल चलते हैं अभी रील्स बनाने के लिए। ओला भी फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं घर, रील्स वील्स बना लिए, ज़्यादा नहीं बना पाए, एक दो ही बनाए शायद, और बहुत ज़्यादा लस लग रहा है, क्या बोले, धूप इतना ज़्यादा है ना, इतना गर्मी लगा। तो बस अभी हम जा रहे हैं घर, तो देखेंगे अगर होगा तो बाद में गाना वाना दिखा ले रहेंगे, फिर बाद में बनाएंगे रील्स, तो वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा ज़रूर। तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए अभी चलते हैं घर। तो बस फ्रेंड्स, अभी इधर से स्टार्ट हो गया है बारिश, तो इधर अभी हम कपड़ा उपड़ा उठा के लेके आ गए हैं ए पास। तो बस थोड़ी देर लेट ही हुए थे कि बारिश स्टार्ट हो गया, क्या ही बोले, एकदम से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है बट हो रहा है हल्का हल्का। ये देखिए इधर ए पास पेड़ मैंने ना इस वजह से मतलब छाँव है तो ए पास नहीं गिर रहे हैं फिलहाल। तो ये देखिए इधर हो रहा है बारिश, ये देखिए। तो चलिए अभी ये वाला कपड़ा जो है सूख चुका है, और बाकी नहीं सूखा वाला इधर मैंने तार में मतलब फांग दी हूँ। तो बस फ्रेंड्स, अभी बारिश रुक चुका है और अभी हमको जाना है काम में, तो अभी कॉल कर रहे थे तो सुबह टाइम नहीं करे ना, तो अभी बुला रहे हैं काम में, तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा लस लग रहा है, क्या बोले, आज फास्ट है ना कृष्ण जन्माष्टमी का, तो बहुत ज़्यादा लस लग रहा है, पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं, तो देखते हैं क्या सीन रहता है आगे का। तो बस अभी टाइम होने वाले हैं तो थोड़ा सा अभी चाय वाय बना के पी लेती हूँ, तो थोड़ा सा शायद अच्छा लगे। तो चलिए चाय भी पीते हैं और मोबाइल को लगाते हैं थोड़ी देर चार्ज में। तो बस फ्रेंड्स, अभी हम निकल चुके हैं काम में जाने के लिए, वैसे ज़्यादा दूर तो है नहीं, यही पास में है, तो इधर से ले लिए हैं शर्ट वगैरह, और उधर से ठेकेदार जो है चिल्ला रहे हैं थोड़ा सा, अभी टाइम हो गया है ना, अभी वहाँ पर पहुँची भी नहीं है तो इसीलिए। तो इधर से अभी आ गई, तो चलिए अभी चलते हैं काम में। फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं घर, और बस अभी हम इधर जा रहे हैं नहाने के लिए, तो फिर नहा धो के आएंगे और फिर जाएंगे मंदिर। तो चलिए आगे का क्या कैसे होने वाला है वो आप लोगों को आगे के ब्लॉग में दिखाएंगे। तो चलिए फिलहाल इधर कपड़े उपड़ा ले लिए हैं, तो फटाफट से नहाते हैं, और बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रहा है, क्या ही बोले, शाम का टाइम है, 6 बजने वाले हैं, तो चलिए मिलते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम तैयार व्यार हो गए हैं, और कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया इधर मतलब तैयार होते होते, और मतलब घर से कॉल आया था ना तो बात कर रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। वहाँ पे जाके मतलब कुछ लड्डू वड्डू बनाना है, जो कि पता नहीं बना लिए हैं कैसे, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, और बार हो रही है बारिश। तो चलिए आगे क्या क्या सीन रहता है, वीडियो बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को थोड़ा बहुत। और इधर बाबू भी तैयार हो गया, ये देखिए। तो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं मंदिर, और फिर मिलते हैं आप लोगों से नवाबू। तो बस फ्रेंड्स, मंदिर पहुंच चुके हैं, और फाइनली इधर अभी हमारा हो रहा है पूजा, तो अभी हम कर रहे हैं पूजा, फिर उसके बाद होगा नाम जप, फिर जब 12 बजेगा ना तो फिर कृष्ण भगवान जी जन्मेंगे ना, तो उसके बाद पूजा वूजा उस टाइम भी करके फिर हल्दी वगैरह खेलते हैं, क्या ही बोले। तो ये देखिए बस अभी हम उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, और ये देखिए क्या ही मस्त झूला वूला बना दिए हैं, और अभी हो रहा है नाम जप। सो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है, और अभी थोड़ी देर पहले मंदिर से आए और काम वाम ख़त्म करके इधर अभी हम ब्रश लेके आ गए हैं ब्रश करने के लिए। तो कृष्ण भगवान का जन्म हो चुका है फाइनली, और आज होगा मटकी पौड़, और कल से बारिश हो रहा है, और अभी तक मतलब रात भर हुआ और बारिश अभी रुका ही नहीं है, क्या ही बोले। तो बस अभी फटाफट से नहा धो के फिर से जाएंगे मंदिर, पूजा वूजा करेंगे। तो और मैंने ब्लॉग नहीं बना पाई बिकॉज देख रहे हो उनको वीडियो में, अब मतलब उनको वीडियो में नहीं आना है ना, इसलिए मैंने बनाती नहीं हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे हैंड, और नेक्स्ट वाला ब्लॉग जरूर से देखना, मटकी पोड़ होगा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारे वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो का लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।